मोदी की रैली में। भारत माता की, भारत माता की, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्रीमान वीएल वर्मा जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी विवेक, नम्रता, मर्यादा के प्रतीक श्रीमान संतोष गंगवार जी, सांसद श्रीमान धर्मेंद्र कश्यप जी, भाजपा के प्रदेश महासचिव श्रीमान अशोक कटारिया जी, संसद में मेरे साथी श्रीमान सीपी जोशी जी, श्री हरीश शाक्य जी, वागीश पाठक जी, महाराज सिंह जी, प्रेम स्वरूप पाठक जी, हरिप्रसाद सिंह पटेल जी, महेश चंद्र गुप्ता जी, बदाऊं के उम्मीदवार दातागंज से भाजपा के उम्मीदवार श्री राजीव कुमार सिंह, बिलसी से भाजपा के उम्मीदवार श्री आर के शर्मा जी, शेखपुर से भाजपा के उम्मीदवार श्री धर्मेंद्र साक्य जी, बिसोली से भाजपा के उम्मीदवार श्रीमान कुशाग्र सागर जी, सहसवान से भाजपा के उम्मीदवार श्रीमान आशुतोष वासनेय जी, मंच पर विराजमान श्री अवनीश कुमार सिंह, श्री जितेंद्र सक्सेना, श्री दुर्विजय शाक्य जी, श्रीमान राजेश यादव जी और विशाल संख्या में पधारे हुए बदायूं के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे साथ जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। आप लोग विराजिए। भाइयों बहनों, इतनी बड़ी संख्या में मैं दूर दूर मकानों की छत पर भी लोगों को देख रहा हूं। भाइयों बहनों, आप इन इतनी बड़ी संख्या में मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए, मैं आपका बहुत आभारी हूं। लग रहा है ये माहौल देख करके 2009 में मुझे आपके दर्शन करने का मौका मिला था। अगर 2014 में भी मैं आया होता तो शायद आपने परिणाम बदल दिया होता।
तो मेरे बदायूं के भाइयों बहनों, 2014 में मैं नहीं आ पाया, इसके लिए आपकी क्षमा याचना। लेकिन इस बार आया हो तो आप ब्याज समेत लौटा दीजिए। यहां पर हम तो जब गुजरात में थे तो बदायूं का नाम सुनते थे। बदायूं तो बड़ा वीआईपी है, वीआईपी। ये मायावती जी का कार्यक्षेत्र रहा, ये मुलायम सिंह जी का कार्यक्षेत्र रहा, और आज भी उनके परिवार का यहां दबदबा चल रहा है। लेकिन भाइयों बहनों, इतना बड़ा वीआईपी जिला होने के बाद भी क्या कारण है कि हिंदुस्तान के सबसे पिछड़े, जरा कान खोल के सुन लीजिए, मैं बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान में जिलों की बारीकी से जांच होती रहती है और उसका हिसाब किताब होता है, कौन जिला कहां खड़ा है, कौन जिला आगे है, कौन जिला पीछे है। आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इतने बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को बदायूं की जनता ने आशीर्वाद दिए, बदायूं की जनता ने साथ दिया, अपनी मुसीबतों से मुक्ति मिलेगी इसलिए भरपेट उनको मदद की। लेकिन भाइयों बहनों, हिंदुस्तान के जितने जिले हैं उसमें सबसे बुरे हाल जिन जिलों के हैं, ऐसे सबसे बुरे हाल वाले 100 जिलों में एक जिला बदायूं का नाम है, बदायूं का। जरा सपा बसपा के नेता मुझे बताएं, भाई वहां पर अब जगह है नहीं, कोई किसी को बिठाने की कोशिश मत करो, जो बैठे हैं वो बैठे रहे, खड़े हैं खड़े रहें। अब कोई एक दूसरे को परेशान मत करो, अब मैदान छोटा पड़ जाता है, मैं क्या करूं भाई। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान के 100 पिछड़े जिले जो हैं, जहां विकास का नामो निशान नहीं है, प्राथमिक सुविधाएं नहीं है, सामान्य मानवीय की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही है, जितनी बुराइयां हैं वो सारी बुराइयां सरकार में भरी पड़ी हैं, ऐसा अगर कोई जिला है, उन 100 जिलों में तो एक जिला बदायूं जिला है। भाई आजादी के 70 साल हो गए जब उत्तर प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से, काशी की जनता के आशीर्वाद से मुझे सांसद बनने का सौभाग्य मिला। आप सबका भरपूर सहयोग रहा, उत्तर प्रदेश की जबरदस्त मदद के कारण दिल्ली में केंद्र में एक स्थिर सरकार बनी और आप ही के आशीर्वाद से मुझे प्रधानमंत्री पद पर सेवा करने का मौका मिला। और भाइयों बहनों, जब मुझे नेता का चुनाव हो रहा था,
संसद के सेंट्रल हॉल में देश भर से नए चुन करके आए एनडीए के सभी सांसद बैठे थे। सबने सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री के नाते मेरा चयन किया और उस दिन मैंने भाषण में कहा था कि आज 30 साल के बाद देश की जनता ने दिल्ली में एक स्थिर सरकार बिठाई है, लेकिन मेरी सरकार इतने भारी बहुमत से जीतने के बाद, स्थिर सरकार बनने के बाद, मैंने कहा था ये मेरी सरकार, इस देश को मैं गरीबों को समर्पित करता हूं, ये सरकार जो कुछ भी करेगी इस देश के गरीबों की भलाई के लिए करेगी। दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, गांव, गरीब, किसान, इन्हीं के लिए मेरी सरकार काम करेगी, ये मैंने पहले दिन कहा था। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, जब नई सरकार बनी तो मैंने जरा सरकार का हिसाब किताब सुनो किया। मैंने बिजली वालों को बुलाया, मैंने बिजली वालों को बुला करके पूछा, मैंने कहा बताओ भाई, आजादी के 70 साल हो रहे हैं, कितने गांव ऐसे हैं कि जिन गांवों में अभी भी बिजली का खंभा नहीं पहुंचा, तार नहीं लगा, लट्टू नहीं लगा, बिजली नहीं आई, आज भी वो गांव अंधेरे में जीने के लिए मजबूर है, ऐसे कितने गांव है। भाइयों बहनों, भारत सरकार के अधिकारियों ने मुझे जवाब दिया, इस देश में 18,000 गांव ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक बिजली नहीं देखी है। कहिए भाइयों बहनों, क्या आजादी के 70 साल के बाद भी हिंदुस्तान के 18,000 गांव 18वीं शताब्दी में जीते हो, इससे बड़ा कोई कलंक हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? ये कलंक मिटना चाहिए कि नहीं मिटना चाहिए? क्या कागज लेकर के पूछा जाता है क्या कि इस 18,000 गांव में किसकी सरकार है, कौन जाति के लोग रहते हैं, वहां भाजपा है कि नहीं है, ऐसा कोई हिसाब किताब लगाया जाता है क्या? मैंने सीधा सीधा कह दिया कि मुझे 1,000 दिन के भीतर भीतर 18,000 गांवों में बिजली के खंभे लगाने हैं, बिजली का तार लगाना है, बिजली का लट्टू जलाना है। और भाइयों बहनों, कौन जात है, कौन पार्टी है, कुछ भी नहीं देखा, सिर्फ ये देखा कि 18,000 गांवों में अंधेरा जाना चाहिए, उजाला आना चाहिए, और ये काम मैंने किया। लेकिन भाइयों बहनों, आज मैं बदायूं जिले में आया हूं तो मैं कहना चाहता हूं, 18,000 गांवों में जरा सपा बसपा के लोग जवाब दें, क्या ये आपका दायित्व नहीं था इन गांवों में बिजली पहुंचाना? कांग्रेस का दायित्व नहीं था क्या? नहीं किया उन्होंने। अकेले उत्तर प्रदेश में 1500 गांव ऐसे निकले जहां पर कभी बिजली का खंभा तक नहीं लगा था। इतना ही नहीं, आप तो चौंक जाएंगे मेरे भाइयों बहनों, चौंक जाएंगे। बदायूं ने 2014 के चुनाव में मेरा एमपी नहीं जीता, आपने हमारी मदद नहीं की, लेकिन भाइयों बहनों, भले सपा का एमपी चुन करके आया हो, बदायूं मेरा था, बदायूं के लोग मेरे थे,
बदायूं के गांव मेरे थे और इसलिए बदायूं जिला आप जानकर के चौंक जाएंगे 495 गांव, ये 1500 गांव में उत्तर प्रदेश में जहां बिजली नहीं है उसमें ये वीआईपी जिले के करीब करीब 500 गांव है। 500 गांवों में न खंभा लगा कभी, न बिजली पहुंची कभी, लेकिन मुलायम सिंह को तो पहुंच गए जहां पहुंचना था, मायावती जी पहुंच गई जहां पहुंचना था, अखिलेश जी के भाई को जहां पहुंचना था पहुंच गया, एक कुनबे को जहां जाना था चला गया, आप वहीं के वहीं रह गए। आप मुझे कहिए इस जिले में आजादी के 70 साल के बाद 500 गांव अंधेरे में है, ये बुरी चीज है कि नहीं है? जब अखिलेश जी कहते हैं काम बोलता है, अखिलेश जी उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है आपका काम नहीं, आपके कारनामे बोलते हैं, कारनामे। काम नहीं बोल रहा, कारनामे बोल रहे हैं। ये 500 गांव में अंधेरा, ये आपका कारनामा था और ये उत्तर प्रदेश ने मुझे प्रधानमंत्री बनाया। मैंने कर्ज चुका दिया, बदायूं ने मुझे एमपी नहीं दिया, लेकिन बदायूं जिले के 500 गांवों में बिजली पहुंचा दी। अब 2 या 3 गांव बाकी है, वहां भी पहुंचा के रहूंगा। भाइयों, काम कैसे होता है इसका ये नजारा है। भाइयों बहनों, मैं बदायूं जिले के उन 500 गांवों का आज अभिनंदन करता हूं कि 18वीं शताब्दी की जिंदगी जीते थे आप, आज मुझे आपकी सेवा करने का सौभाग्य मिला और आपके गांव में बिजली पहुंचाने का मुझे सौभाग्य मिला। मैं आपका वंदन करता हूं और उन गांव वालों ने हमारी जो तत्काल मदद की, हर काम में मदद की, उसलिए उन गांव वालों का भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, ये बदायूं जिला, इस जिले में एक नेता है, यहां के एक एमएलए है, उस एमएलए को राज्य कक्षे का मंत्री का होद्दा मिला हुआ है, समाजवादी पार्टी के हैं, अखिलेश जी के चहेते हैं। उन्होंने क्या बयान दिया था, सरकार सपा की, एमएलए सपा का, सांसद सपा का, एक ही कुनबे का, प्रदेश आपका, जिला आपका, आप ही के लोग, और आरोप भी आप पर लगा रहे थे, आप ही का एक एमएलए, आप ही के सगे चचेरे भाई, उनको सांसद पे आरोप लगाया खुलेआम के अवैध खनन में भ्रष्टाचार करते हैं। ये बिजली के तार लगाने में भ्रष्टाचार करते हैं। अगर सांसद पर सपा पार्टी के ही एमएलए इतना बड़ा गंभीर आरोप लगाते हैं तो फिर 500 गांवों में बिजली कहां से पहुंचेगी? भाइयों, ये तो मोदी है जिसमें दम है कि उसने वहां बिजली पहुंचा दी, वरना ये नहीं पहुंचा।
भाइयों बहनों, जब ये कांग्रेस के सपा के एमएलए ने अपने सांसद पर आरोप लगाए तो मैं कल्पना करता हूं, जब मुलायम सिंह जी ने सुना होगा कि सपा के एमएलए सपा के एमपी के खिलाफ इतना बड़ा गंभीर आरोप लगाते हैं, तो मुलायम सिंह जी ने क्या सोचा होगा। अगर किसी ने पत्रकार ने पूछ लिया होता तो मुलायम सिंह जी ने क्या जवाब दिया होता। मुलायम सिंह जी ने जरूर कहा होता, बच्चा है, गलतियां कर देता है, उसके लिए कोई फांसी लगती है क्या, यही कहा होता ना। कोई भी पाप करो ये कह देते हैं बच्चा है, गलतियां करता है। और अगर यही बात अखिलेश जी को पूछी गई होती, पत्रकारों ने पूछा होता, प्रेस कॉन्फ्रेंस चलती होती और पूछा होता कि अखिलेश जी, मुख्यमंत्री जी, बदायूं के एमएलए ने आपके चचेरे भाई जो सांसद है उन पर इतने बड़े भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं, मुख्यमंत्री जी आपको क्या कहना है। तो अखिलेश जी क्या कहते हैं, अरे भाई तुम ऐसे सवाल क्यों पूछते हो, क्या तेरे शहर में भ्रष्टाचार हो रहा है क्या, यही जवाब दिया होता। कितना गैर जिम्मेवार इनका कारनामा रहा है, हर चीज में गैर जिम्मेवार। भाइयों बहनों, ऐसे गैर जिम्मेवार रवैया वाले लोग कभी भी जनता जनार्दन का भला नहीं कर सकते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं कह रहा हूं आपका काम नहीं बोल रहा, कारनामे बोल रहे हैं। आप मुझे बताइए, मायावती की सरकार भ्रष्ट थी ऐसा 5 साल पहले अखिलेश जी गांव गांव जाके बताते थे कि नहीं बताते थे। उन्होंने कहा था कि सत्ता में आने के बाद उन सबको वो जेल में भेज देंगे, कहा था कि नहीं कहा था। उन्होंने किया क्या, जो लोग मायावती को सबसे प्रिय थे, मायावती जी के सबसे निकट थे, जिन अफसरों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे, अखिलेश जी ने आते ही 2-4 महीने तो सारा ड्रामा किया, बाद में उन्हीं भ्रष्ट लोगों को उससे भी अच्छे पद पर बिठा करके पहले से 10 गुना भ्रष्टाचार करने के दरवाजे खोल दिए। भाइयों बहनों, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में कैसे अधिकारियों को बिठाया था सीबीआई ने, उनको जेल के सलाखों के पीछे डाल के रखा हुआ है। ये लूटते थे क्या, ये गरीबों के पैसे लूटते कि नहीं लूटते? भाइयों, ये गरीबों को लूटते कि नहीं लूटते? ये ईमानदारों को लूटते कि नहीं लूटते? भाइयों बहनों, आखिर पर सबको मुझ पर गुस्सा क्यों आता है, ये सब इतने मुझ पर गुस्सा क्यों है, ये सब इकट्ठे क्यों हो जाते हैं, जो कभी एक दूसरे से बात न करे, मायावती मुलायम सिंह के पक्ष में न बोले, मुलायम सिंह जी मायावती के पक्ष में न बोले, मायावती अखिलेश के साथ न हो, अखिलेश मायावती के साथ न हो, हमेशा आपने देखा होगा वो कहेगी सूरज है तो ये कहेगा चंदा है। लेकिन एक विषय ऐसा आया जब मैंने काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी,
ये सब इकट्ठे हो गए और उन्होंने कह दिया सारा मोदी खराब कर रहा है, मोदी खराब कर रहा है, सब इकट्ठे हो गए क्योंकि भाइयों बहनों उनके पैरों के तले जमीन खिसकने लग गई थी। इनको पता चला है कि भ्रष्टाचार काले धन की मेरी लड़ाई जो है इनको भी कभी अपने फेरे में लेके ही रहेगी, उनको पता है। और इसलिए भाइयों बहनों भ्रष्टाचार काले धन के खिलाफ जब मैंने नोटबंदी की और मैंने कहा जिन्होंने गरीबों का लूटा है मैं गरीबों को लौटा के रहूंगा, मेरी सरकार गरीबों के लिए बनी है और गरीबों का कल्याण इसी काम के लिए, ये जनता भगवान जनता होती है, जनता ही ईश्वर का रूप होती है, इसने मुझे काम दिया है, गरीबों की भलाई करने का काम दिया है, किसानों का कल्याण करने का काम दिया है, ईमानदारों को हक देने का काम दिया है और वो काम करने के लिए मेरी सरकार दिल्ली में काम कर रही है। भाइयों भाइयों बहनों आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए भाइयों बहनों, आज उत्तर प्रदेश में शहर हो या गांव हो, भाइयों बहनों मुझे आपसे जवाब चाहिए। अगर मेरी बात सही नहीं है तो आप ना कर देना, मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा, लेकिन अगर सही है तो पूरी ताकत से जवाब देना। आज उत्तर प्रदेश में शहर हो या गांव हो, दिन हो या रात हो, सुबह हो या शाम हो, क्या कभी भी उत्तर प्रदेश के गांव या शहर में कोई बहन बेटी अकेली घर के बाहर निकल सकती है क्या? बताइए, सच बताइए, निकल सकती है क्या? अगर बेटी देर से घर आए तो माँ बाप चिंता करते हैं कि नहीं करते हैं? भैया को दौड़ना पड़ता है कि नहीं दौड़ना पड़ता है? भाइयों बहनों जरा अखिलेश जी जवाब तो दो, आपको जिसको गले लगना है लगो, हमें प्रॉब्लम नहीं है। सवाल यह है कि गुंडागर्दी को आपने क्यों खुला जोर दे करके रखा हुआ है, क्या कारण है? और उसका कारण समाजवादी पार्टी के नेताओं की मानसिकता है, उसका कारण 5 साल का आपका कारोबार है। मैं हैरान हूं, मुझे हैरानी तो मेरे मीडिया के भाइयों से होती है। मैंने एक दिन रात को देर से पहुंचा, मैंने टीवी चालू किया तो आजकल जैसे मैं सवाल जवाब करता हूं तो देश के सभी नेताओं ने अब धीरे धीरे करके ये शुरू किया है, बाकी लोग भी ऐसे सवाल जवाब करते हैं, कोशिश कर रहे हैं, सीख रहे हैं। लेकिन अच्छा है, अगर कोई अच्छी चीज सीखने की कोशिश करता है तो अच्छी बात है। तो अखिलेश जी ने लोगों को सवाल पूछा, अच्छे दिन आ गए क्या? मैं अखिलेश जी को सवाल पूछता हूं कि भाई 5 साल से उत्तर प्रदेश में तुम राज करते हो, अगर जनता कहती है नहीं आए हैं तो सबसे पहले जिम्मेवारी तुम्हारी बनती है, तुम उत्तर प्रदेश में राज करते हो। लेकिन उनको समझ ही नहीं आता है कि कौन सा सवाल पूछना चाहिए, कहां पूछना चाहिए, कैसे पूछना चाहिए, ये भी समझ नहीं आता है। जब उत्तर प्रदेश की जनता कहती है कि हमारे हाल ठीक नहीं है तो उसके लिए अगर जिम्मेवार कोई है तो 5 साल सपा, 5 साल बसपा और
50 साल कांग्रेस पार्टी के कारनामे ये जिम्मेवार है भाइयों, इन्होंने तबाही की हुई है और उनसे हिसाब मांगने का समय आ गया है। भाइयों बहनों, मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का अभिनंदन करता हूं, उत्तर प्रदेश की टीम का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम करने का निर्णय किया है। उन्होंने कहा है इन बहन बेटियों की रक्षा के लिए पुलिस में 3 बटालियन महिला पुलिस की नई बनाई जाएगी, 3 बटालियन। और उन्होंने कहा है 1 बटालियन का नाम होगा जलकारीबाई बटालियन, दूसरी बटालियन का नाम होगा उदादेवी बटालियन, तीसरी बटालियन का नाम होगा वीरांगना अवंतीबाई बटालियन। इन महावीरांगनाओं के स्मरण में 3 महिला बटालियन बनाने का फैसला उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भाइयों बहनों, आज 11 फरवरी है और दोपहर के करीब करीब 1:45 बजे हैं। ठीक 1 महीने के बाद 11 मार्च को 1:45 बजे तक नई सरकार की खबर आ जाएगी। और इसकी शुरुआत हो गई है। आज उत्तर प्रदेश में एमएलसी के चुनाव का नतीजा आया, एमएलसी के चुनाव का नतीजा आया। मैं उत्तर प्रदेश के सभी मतदाताओं का आज हृदय से अभिनंदन करता हूं। आपको भी अभी समाचार पहुंचे नहीं होंगे, अगर भाजपा हार गई होती तो ब्रेकिंग न्यूज चलते, ब्रेकिंग न्यूज धुआंधार प्रचार होता, बीजेपी हार गई, मोदी का पत्ता साफ हो गया, न जाने क्या क्या शुरू हो जाता। भाइयों बहनों, मैं उत्तर प्रदेश के नागरिकों को बधाई देता हूं कि आज अभी अभी एमएलसी की 3 सीटें जिसके नतीजे आए, तीनों की तीनों भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली। आज 11 फरवरी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि है, उस पुण्यतिथि पर उत्तर प्रदेश के लोगों ने दी हुई यह श्रद्धांजलि है। आज 11 फरवरी 11 मार्च का संकेत दे दिया है उत्तर प्रदेश के लोगों ने। और कमाल देखो, उत्तर प्रदेश के तीनों इलाके गोरखपुर से देवेंद्र प्रताप सिंह एमएलसी का चुनाव जीत गए, भाजपा के देवेंद्र सिंह 25,000 से भी ज्यादा वोटों से जीत गए। भाइयों बहनों, कानपुर भारतीय जनता पार्टी के श्री अरुण पाठक एमएलसी का चुनाव जीत गए। और अब बारी है आपकी, यहीं पर बरेली में भाइयों बहनों जयपाल सिंह जी 40,000 से ज्यादा वोटों से एमएलसी का चुनाव जीत गए। बहुत बहुत बधाई भारतीय जनता पार्टी की टीम को, बधाई उत्तर प्रदेश की जनता को, बधाई। आपने संकेत दे दिया है कि आंधी कितनी तेज है।
भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में चुनाव के मैदान में जो है वो तो बेचैन हो ही गए होंगे, लेकिन उनके कुछ ठेकेदार दिल्ली में बैठे हैं, वो जरा ज्यादा परेशान होते होंगे। क्या बात है, उत्तर प्रदेश में एमएलसी में इतना बड़ा भव्य विजय, और वो भी ऐसे समय जब कल तक जो एक दूसरे के दुश्मन थे, लोहिया जी जीवन भर जी कांग्रेस के खिलाफ लड़े थे, उन लोहिया जी के चेलों ने कुर्सी बचाने के लिए उस कांग्रेस को भी गले लगा दिया, उसके बावजूद भी एमएलसी के चुनाव बुरी तरह हार गए भाइयों बहनों। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, यहां पर नौकरियों में जो भर्ती हुई है पिछले 5 साल में, क्या आपको उससे संतोष है? जरा नौजवान ताकत से बताइए, संतोष है? क्या आप मानते हैं कि उसमें भ्रष्टाचार हुआ है? क्या आप में मानते हैं उसमें जातिवाद का जहर घुला है? क्या आप मानते हैं कि ईमानदारों से अन्याय हुआ है? आप मानते हैं गरीब विधवा मां के होनहार बेटे भी नौकरी से वंचित रह गए हैं? क्या लोकतंत्र में ईमानदारों का हक छीनना एक किसी भी सरकार को अधिकार नहीं मिलता? भाइयों बहनों, नौकरी में जो हाल हुआ है, भाई भतीजावाद हुआ है, ये आपका कारनामा है अखिलेश जी, ये आपका कारनामा है। आपने उत्तर प्रदेश के नौजवानों के भविष्य को कुचल डाला है, उसको रौंद डाला है। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इन नौजवानों के भविष्य पर आपने अलीगढ़ के ताले लगा दिए। मैं आज उत्तर प्रदेश के भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, 11 मार्च को चुनाव नतीजे आएंगे, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और हमारे भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के लोगों ने कहा है कि नौकरी में जिसको अन्याय हुआ है जांच कराई जाएगी और उनको न्याय दिलाया जाएगा। आप मुझे बताओ भाई, सरकार में वर्ग 3 और वर्ग 4 जो सामान्य लोगों को नौकरी के लिए जरूरत होती है, क्लर्क की नौकरी हो, हेड कांस्टेबल की नौकरी हो, पीएसआई की नौकरी हो, ये सब वर्ग 3 और 4 की नौकरी होती है, ड्राइवर हो, प्यून हो, और सरकार में 90% से ज्यादा यही लोगों को नौकरी होती है, यही काम होते हैं, नर्सिंग का वगैरह। अब आप बताइए, जब 100 लोगों की नौकरी का एडवर्टाइजमेंट निकलता है तो 1-2 लाख लोग अर्जी करते हैं, फिर उसका एग्जाम होता है, एग्जाम होने के बाद कुछ लोगों का इंटरव्यू निकलता है, और इंटरव्यू आने के बाद वो लड़का घर घर जाता है, किसी की पहचान है क्या, बेटे को इंटरव्यू आया है, फिर बिचौलिए आ जाते हैं, अच्छा आपके बेटा का इंटरव्यू आया है, नौकरी चाहिए, 2 लाख लगेगा, 3 लाख लगेगा। गरीब विधवा मां को लगता है कि चलो बेटे को कहीं नौकरी मिल जाए,
वो अपना पुराना घर भी गिरवी रख देती है। गरीब किसान अपनी जमीन गिरवी देख देता है, माँ अपना मंगल सूत्र गिरवी देख देती है ताकि बेटे को कहीं रोजगार मिल जाए। मुझे बताइए भाइयों बहनों, ये गरीबों के साथ मध्यम वर्ग के लोगों के साथ